हेलो नमस्कार। आज हम ऊन से चिड़िया बनाएंगे। देखिए ये इस तरह की ये चिड़िया है, इसको हम किसी भी कलर से ऐसे बना सकते हैं। देखिए इसी तरह की हम आपको बना के दिखाएंगे। इसके लिए ये मैंने देखिए इतने कलर की ऊन ली है। आप जो कलर आपको अच्छा लगे, उस कलर जो आपके पास हो, उस कलर से आप इसको बना सकते हैं। अब हम आपको बनाना दिखाएंगे, बनाना शुरू करेंगे। ये पीला धागा हमने लिया है, ऊन है ये, और इसको हम इंची टेप से नाप करके लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये यहाँ तक 1.5 मीटर हुआ। नाप के लेने से सभी हमारे बराबर के कट के तैयार होंगे। ये देखिए इसको हम 4 बार लेंगे तो ये 6 मीटर हमारी ऊन हम निकालेंगे इसमें से। 6 मीटर का हमको चाहिए। ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हमने ये 6 मीटर का ले लिया। देखिए इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ये देखिए हमारे 6 मीटर का लिया। इसको हम अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए इतना बड़ा हमको ये चाहिए इस तरह से। और यहाँ से हम इसको यहाँ से काट देंगे। जोड़ है तो इसको हमें यहाँ से काट देना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको काट देंगे, और इसको भी यहाँ से पकड़ते हुए इसको हम यहाँ से भी काटेंगे। ये हमारा इस तरह से ये तैयार हो गया, और इसको हम बांध देंगे धागे से। धागा लेंगे, उस धागे से हमको इसको बांध देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बीच में लेके, और इसको हम यहाँ से बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से कस के बांध देना है हमको। ये देखिए एक हमारा ये तैयार हो गया है। और इसी तरह से हमने लेकर के ये ग्रीन कलर का लिया, और इसको भी हमने इसी तरह से 6 मीटर लिया है। और इसी तरह से ये रेड कलर का, ये भी हमने 6 मीटर लिया है। इसको भी हम बीच से बांधेंगे। देखिए इसको भी हम इसी तरह से काट के यहाँ से तैयार कर लेंगे। इसको भी यहाँ से काट लेंगे। इसको भी यहाँ से बांधेंगे हम इसको इस तरह से। इस तरह से यहाँ से हमें बीच में से इसको बांध लेना है। ये देखिए टाइट बांधना है इसको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा बन के तैयार हो गया। और ये रेड वाला है, इसको भी हम इसी तरह से बांधेंगे बीच में रखते हुए। टाइट बांध देंगे इसको। और अब हम इसको यहाँ रखेंगे, और येलो वाला है उसको यहाँ रखेंगे इस तरह से। हमको देखो इस तरह से रखना है, ये ऐसे रखना है, और इसको यहाँ रखना इस तरह से। इस तरह से हम रखेंगे उसको, रखते हुए इस तरह से हम, ये देखिए इस तरह से पकड़ के हम इसको करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से हमको करना है। और देखिए अब हमने इसको ऐसे पकड़ा, और यहाँ से हम इसमें गांठ लगा देंगे कस के। इस तरह से पकड़ेंगे, और इस तरह से हमें इसमें कस के गांठ लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से पकड़ते हुए टाइट गांठ लगाएंगे, यहाँ से यहाँ पे गांठ लगा देंगे इसको। ये देखिए इस तरह से कस के लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से हमारी, इस तरह से ये तैयार हो गया। और इधर भी हम इसमें गांठ लगाएंगे। इधर इधर हमने रेड वाले में लगाई, और अब हमें येलो वाले में गांठ लगानी है इस तरह से। इस तरह से खोलते हुए, इस
तरह से और इस तरह से हमको इसमें गांठ लगानी है। देखिए इस तरह से हम पकड़ेंगे और इस तरह से हम इसमें गांठ लगाएंगे। ये देखिए टाइट हमने इसमें गांठ लगा दी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से ये हमारा ये तैयार हो गया। ये देखिए ये तैयार हो गया हमारा और इस तरह से ये हमारा फेस बन गया। अब हम इसको खोलेंगे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से, और ये जो हमने ग्रीन कलर बना के रखा था उसको हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। और ये कागज़ लेंगे और इसको हम रफली इसको ऐसे कर लेंगे इसमें रखने के लिए इस तरह से। थोड़ी सी गांठ छोटी करेंगे और इस तरह से हमको ये करना है और इसको हमें यहाँ पे रख देना है इसको। ये देखिए इस तरह से और इसको हम यहाँ पे रख देंगे। उसको यहाँ से लेंगे ये देखिए इस तरह से देखिए और अब हम इसमें एक यहाँ पर धागा बांध देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से लेंगे और यहाँ नीचे की तरफ हमको धागा बांधना है इस तरह से यहाँ पे टाइट टाइट गांठ बांधेंगे इसमें हम। ये देखिए इसको नीचे रखते हुए इस तरह से हम इसमें गांठ लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई और इसको हम इस तरह से सेट कर देंगे इसको ठीक से। और इसके जो है छोटे बड़े हैं इसको हम इस तरह से हटा देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमें इसको हटा देना है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये तैयार हो गई। ये देखिए और अब हम ये कागज़ लिया है हमने कलर्ड कोई कागज़ ले लें और इसको हम काट लेंगे इस तरह से। और अब हम इसकी एक चोंच बनाएंगे तो इसको हम ऐसे करते हुए यहाँ से कोन की तरह बनाएंगे इसको इस तरह से। ये देखिए इस तरह से करते हुए हमको कोन की तरह इसको बनाना है टाइटली बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से और यहाँ पे हम ये देखिए इसको गोंद लगा देंगे इस तरह से यहाँ पे। और इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बंद कर दिया और इसको हम काटेंगे। जितनी लंबी हमको चोंच रखनी उतनी रखेंगे उसके अलावा हम उसके एक्स्ट्रा काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये चोंच तैयार हुई थोड़ी बड़ी तो इसको हम थोड़ी और काटेंगे इस तरह से। देखिए और इसको हम यहाँ पे चोंच लगाएंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको हम यहाँ पे ये देखिए इस तरह से चोंच लगा देंगे। और इसकी आँख बनाएंगे। आँख बनाने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से देखिए दो ये काली वो लगा देंगे कुछ भी लगा सकते हैं आप। ये देखिए इस तरह से
ये देखिए हमारी चिड़िया तैयार हो गई। देखिए मैंने छोटी बड़ी कई साइज़ की ये देखिए मैंने चिड़ियाँ बनाई हैं। ये आप और कई कलर का मैंने प्रयोग किया है, आप भी जिस कलर की बनाना चाहें आप उस कलर की बना सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।